लक्ष्मी बस अपने अपने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ सासी बस्ती भगवानगंज से ये 11,000 वोट की तार है छत के ऊपर से जा रही है कल मेरी बच्ची चढ़ी थी सामान लेने तो उसके करंट लग गया तो उधर ही मेरी बच्ची की मृत्यु हो गई इन लोगों से हमने बहुत बार कंप्लेन भी की है एक हादसा पहले भी हुआ था तो वो तो यंग था लड़का तो वो तो थोड़ा उसने झेल लिया करंट को वो थोड़ा जिंदा रह गया कल बच्ची का करंट आया बच्ची ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो गई इन लोगों को कंप्लेन करते करते कब से कह रहे हैं उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल छत से बहुत सारे घरों के ऊपर से ही है कल आपने अपने घर का एक चिराग खो दिया उसके बाद चिराग चला गया इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया इनको क्या परवाह कोई परवाह नहीं है चिराग हमारा गया इनका क्या गया इनको तो अपने काम से मतलब है इसके पहले भी शिकायत कर चुके हैं हाँ की थी बहुत बार करते बारिश होती हम तब भी इनको कंप्लेन करते हैं कुछ भी होता हम इनको कई बार जानवर मर गए पर अभी बीच में कुत्ते का हादसा हुआ हमने कंप्लेन करी उसके बाद कुछ ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने और ये जैसे कल हादसा हुआ और अभी भी हादसा हो रहा है कि क्या अभी भी खतरा है बिल्कुल छत से ये बिल्कुल नजदीक यूं तो छत की दीवार है और छत के ऊपर से ही तार जा रहा है क्या बोले अभी अंदर क्या बोले आप लोगों को वो कह रहे हैं कि आप चलो अभी हम देखते हैं यूं कहा है आपकी नहीं मानी जाती है फिर भी नहीं हटाते तार तो आप आगे क्या करोगे फिर आगे की कार्रवाई करूंगी अभी तो एक बच्चा चला गया कल को दूसरा चला जाएगा इन लोगों का क्या जाएगा इनका कुछ नहीं जाएगा मेरा नाम पिंकी सर आज हमको ये विधवा को हमें ज्ञापन देना है थे सर कि हमारे क्या है कि सांसी बस्ती में एक मकानों के ऊपर से 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है इसके बारे में हमने पूर्व में कई बार शिकायतें करी विद्युत विभाग को लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी ना कोई ऐसी उसको हटाने की हटवाई नहीं जिसके कारण कल 21 तारीख को एक 15 साल की बच्ची थी हमारे पड़ोस में रहने वाली थी वो उसको करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई और जिसका कि अभी हम पोस्टमार्टम करवाया कल हमने मुकदमा भी दर्ज कराया इस बाबत इसके बारे में इस संदर्भ में हम आए कि विद्युत लाइन को हटवाएं ताकि आगे से कोई जनहानि नहीं हो आश्वासन दिया आपको सर वो कह रहे हैं कि देखेंगे अब हम कार्रवाई करेंगे ये कहा फिर इसके बाद नहीं तो सर हम आगे जाएंगे साहब आगे कार्रवाई करेंगे सर क्योंकि सर आज एक बच्चे के साथ हुआ कहीं किसी और के भी साथ होता था पशु पक्षी जानवर है सर कई तरह के हैं सर आपका नाम बताओ सर प्रेमचंद गुमावत सासी बस्ती से आए थे क्या कहते गए किस तरह की मांग को लेकर आए थे वो लोग उनका कुछ उनके भी लाइन के बारे में कुछ इश्यूज था तो जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे किस तरह की लाइन को लेकर आए थे वो लोग जैसा कि हमको भी जानकारी दी उन्होंने उनके छतों पर से हाई टेंशन लाइट के जो तार हैं जा रहे हैं उन तारों को लेकर वो आए थे उनकी कल एक बच्ची की मौत भी हुई हाँ तो उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी ना नियमानुसार वो हम करेंगे और उनका हमने ज्ञापन ले लिया है और हम जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी हम उनको जल्दी से जल्दी करके ख़त्म करेंगे उनका कहना था सर पहले भी अवगत करा चुके हैं लेकिन इतने समय तक प्रशासन विद्युत विभाग प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी सर इससे पहले जो है वो हमारे को हमारे इसमें नहीं है नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने कभी दिया है क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने 12 साल पहले दिया था जब एविनल का टाइम था हमारे टाइम में ऐसा कुछ हमारे को मिला नहीं है और जो भी होगा वो हम एक बार चेक करवा लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे सब ऑनलाइन सुविधा है ऑनलाइन में सब कुछ रिकॉर्ड होता है आपका नाम और परिणाम रामकृष्ण शर्मा जोनल मैनेजर